हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी मनचाओ सूप की रेसिपी। रोज रोज हैवी खाना खाकर हर कोई बोर हो जाता है। हैवी खाना खाने से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ही बिगड़ जाता है और उसी बीच बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। तब हम सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी हो और टेस्टी हो। डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए वीक में दो बार अपनी डाइट में वेजिटेबल सूप को जरूर ऐड करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। टेस्टी मनचाओ सूप बनाने के लिए हमको चाहिए, दो लोगों के लिए बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो 4 ग्लास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब पानी जब बॉयल हो जाए उसके बाद हम सारे वेजिटेबल को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में इस्तेमाल किया है 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, लगभग 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, अब लगभग 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद मैं बारीक कटे हुए बीन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीन्स को लगभग मैंने 1/2 कटोरी इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो वेजिटेबल में सारी चीज़ों को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बारीक कटी हुई ब्रोकली, इसके बाद पत्ता गोभी। सूप बनाने के लिए मैं ज़्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बहुत सारी वैरायटी की वेजिटेबल इस्तेमाल करिए, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। अब लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ पर मैं वेजिटेबल में फ्रेश टमाटर की प्योरी और बारीक कटा हुआ गाजर भी इस्तेमाल करूँगी। टमाटर की प्योरी डालने के बाद 1/2 चम्मच इसमें नमक डालकर लगभग 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसको बॉयल कर लेना है। लगभग 7 मिनट के बाद मैंने इसके ढक्कन को हटा दिया है, तो हमारी वेजिटेबल बॉयल होके एकदम नरम हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक बर्तन में छलनी से छान के वेजिटेबल स्टॉक को निकाल देंगे। इस तरीके से करछी से दबा दबा के वेजिटेबल में से सारा पानी निकाल देंगे। हमारा वेजिटेबल का स्टॉक तैयार हो गया है और पानी निकली हुई जो वेजिटेबल है इसको अलग से हमने साइड में रख दिया है। हम मनचाओ सूप बना रहे हैं तो इसके लिए चाओ होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस समय हाका नूडल का इस्तेमाल किया और उसको बॉईल करके रख लिया है। अब इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालकर, अगर आपके पास बटर नहीं है तो 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसके बाद इसमें नूडल को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। नूडल को कढ़ाई में डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें। अगर आप लोग भी नूडल वाली मनचाओ सूप बना रहे हैं तो नूडल की क्वांटिटी कम रखें। जब नूडल फ्राई होकर हल्के से ब्राउन कलर में आ जाए तो इसको प्लेट में निकाल लें। नूडल निकालने के बाद बचे हुए बटर में जो ड्राई वेजिटेबल हमने रखे थे उसको इस पे उसको बटर में डाल के थोड़ी देर के लिए टोस कर लें। अब इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से टोस कर लें और क्रंची कर लें। जब वेजिटेबल थोड़ी सी क्रंची हो जाए तो इसमें डाल दीजिए सोया सॉस। यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 कप रेड चिली सॉस, 1/4 कप विनेगर और 1/4 कप चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें वेजिटेबल स्टॉक को ऐड कर दें और उसके बाद लगभग 5 मिनट तक इसको बॉईल करें। जब सूप में से उबाल आने लगे तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है और लगभग 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
अब इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब हमारा सूप बनकर एकदम तैयार हो चुका है। देखिए सूप का कलर कितना अच्छा आया है। इतना करने के बाद फ्राई किए हुए नूडल को सूप में डालकर धनिया से गार्निश करें और इसको सर्व करें। हमारा मनचाव सूप टेस्ट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरे मनचाव सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर सूप से रिलेटेड और भी कोई रेसिपी जानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से आने वाली और भी नई रेसिपी की लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स नोटिफिकेशन बेल ऑन होने पर आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। आप भी इस तरीके से मनचाव सूप को बनाकर इंजॉय करिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।